ओम शांति। हम सभी निरंतर साधना के पथ पर अग्रसर हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमें प्रभु मिलन के सुंदरतम अनुभव होते रहें। हमारा जीवन ही तब सफल माना जाएगा जब हम इस संगम युग पर आए हुए परमात्मा से सर्वस्व प्राप्त कर लें, जब हम उससे सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर लें। जिस लक्ष्य को लेकर हम बाबा के पास आए थे या जिस महान उद्देश्य को लेकर हम इस यज्ञ में समर्पित हुए, उसे हम पूर्ण कर लें, तभी आत्मा पूर्ण संतोष को प्राप्त करती है, अन्यथा कदापि नहीं। यदि हम ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं कर पाते, यदि हम वो चीज बाबा से नहीं ले पाते जो हमने खोई है 84 जन्म लेते लेते, सब हमारे खजाने खाली हो गए हैं, यदि फिर से हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, तो चाहे संसार के कितने भी सुख वैभव हमें क्यों न प्राप्त हो जाएं, हम संतुष्ट नहीं होते। आत्मा की संतुष्टता आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होने से ही प्राप्त होती है। हमें आत्मसंतोष तभी मिलता है जब हम अपनी दिनचर्या में अधिक से अधिक समय बाबा की याद में व्यतीत करें, जब हमारी बुद्धि अधिक से अधिक समय परमात्म स्वरूप पर स्थिर रहे। हम सभी ये जानते हैं कि ये कलयुग का अंत है और इसमें चार ओर माया का साम्राज्य है, अनेक आकर्षण, संसार के साधनों के प्रति अनेक तरह के लगाव और राग मनुष्य के मन को बरबस अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। परंतु जिन्हें ईश्वरीय सुख प्राप्त हो गया है, जिन्होंने ईश्वरीय आनंद से अपनी झोली भर ली है, उसके लिए इस संसार का सोना, हीरे, अनेक साधन सब मिट्टी के समान ही प्रतीत होते हैं। तो आओ हम सभी आज स्वचिंतन की ओर चलें। हम स्वयं से कैसे कैसे बातें करें ताकि हमारा जीवन उमंग उत्साह से भरपूर रहे। हम स्वयं के स्वयं ही टीचर बन जाएं। हम स्वयं को स्वयं ही महान प्रेरणाएं देने वाले बन जाएं। क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है, यदि कोई उसे दूसरा कुछ बात कहता है तो हर बात उसे प्रिय नहीं लगती, लेकिन अपनी स्वयं की महसूसता के साथ यदि हम स्वयं को कुछ कहते हैं तो वो हमारे जीवन का एक स्ट्रॉन्ग आधार बन जाता है। तो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं खुद से बातें कैसे करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है यह। मनुष्य दूसरों से बातें करने के सुख का तो अनुभवी है, परंतु स्वयं से बातें करने का सुख उससे कहीं ज्यादा गुना बढ़कर श्रेष्ठ है। इसका अनुभव वो सब भाई बहने करते हैं जो एकांत वास लेकर स्वयं से बातें करते हैं। स्वयं से बात करने के लिए, इस स्वचिंतन का सुंदर अनुभव करने के लिए एकांत परम आवश्यक है। बिना एकांत के कोई भी इसका सुख प्राप्त नहीं कर सकता। एकांत उसी को आकर्षित करता है जो व्यक्ति सारा दिन अंतर्मुखी रहता है अथवा सारा दिन कुछ योग के सुंदर सुंदर अभ्यास करता रहता है। जो व्यक्ति सारा दिन बाह्य मुक्ता में है, जो व्यक्ति पर चिंतन में है, जो दूसरों के बारे में ही सोच रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जो अनुमान का शिकार हो गया है, अर्थात जिसके मन में निरंतर व्यर्थ संकल्पों का वेग चलता रहता हो, वो व्यक्ति स्वचिंतन नहीं कर सकता, एकांत का आनंद नहीं ले सकता। एकांत तो उन्हें ही आकर्षित करता है जो एक के अंत में खोए रहने को अपना चरम लक्ष्य बना लेते हैं। हम सभी को
अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय रोज ही एकांत के लिए निकाल लेना चाहिए। हम ये न कहें कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, व्यस्त तो इस संसार में सभी हैं, पर यदि सूक्ष्मता से जांच की जाए तो व्यर्थ ही बहुत व्यस्तता का कारण है। यदि हम व्यर्थ पर ध्यान देकर उसे समाप्त कर लें तो हमें अनुभव होगा कि हमारे बड़े बड़े काम सहज भाव से थोड़े समय में पूर्ण हो जाएंगे और हमारे पास काफी समय रहेगा। तो सभी को अपनी उन्नति के लिए थोड़ा समय एकांत के लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिसमें हम स्वयं को देख सकें, जिसमें हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण कर सकें और जिसमें हम स्वयं से दो अच्छी अच्छी बातें कर सकें, बाबा से भी अच्छी अच्छी बातें कर सकें। ये सुख आत्मा को सचमुच उड़ाने वाला होता है और यही वो सुख है जो इस सांसारिक सुखों के आकर्षण से भी मनुष्य को उपराम कर देता है। चाहे उसके सामने संसार की कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां भी क्यों ना खड़ी हों, अनेक तरह के लोभ प्रलोभन उसे दिए जाएं, परंतु जिसने ये ईश्वरीय सुख चख लिया है उसके लिए उन सब की ओर आकर्षण होना नितांत असंभव लगता है। तो हम एकांत में समय लें और स्वयं से कुछ इस तरह बातें किया करें, आह कितना सुंदर समय मेरे हाथ में आ गया है, भगवान स्वयं मेरे हाथ में आ गया है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान स्वयं इस तरह सभी खजाने लेकर मेरे द्वार पर आ जाएगा, वो मुझसे इतना प्यार करेगा, मुझे तो इसका अनुमान भी नहीं था। अब ये सुंदर समय मेरे हाथ में आया है, इस सुंदर समय को मैं व्यर्थ बातों में बिल्कुल नहीं व्यतीत करूंगा। ऐसा सुंदर समय जिसमें मैं जितना चाहे अपना भाग्य बना सकता हूँ, जन्म जन्म के लिए सर्व खजानों से अपनी झोली भर सकता हूँ, यही वो समय है जिसमें भगवान अनेक वरदान हमको दे रहा है। इस समय मैं सभी वरदानों से अपने जीवन को संपन्न कर सकता हूँ। ये समय जन्म जन्म की कमाई का है। यदि ये समय मेरे हाथ से निकल गया तो पश्चाताप के अलावा मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मुझे ज्ञान है, मैंने अपने सामने भगवान को पढ़ाते हुए देखा है, मैंने इन आंखों से सब कुछ देख लिया जो चारों युगों में तीनों लोकों में कभी दिखाई नहीं देगा, वो मैंने अपने इन आंखों से इस वर्तमान संगम युग पर देख लिया है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा, तो क्या मैं अपने इस जीवन को सफल कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं, मेरा ये ईश्वरीय मौजों का सुंदर स्वर्णिम काल व्यर्थ की बातों में व्यतीत हो रहा है। सचमुच यदि ऐसे श्रेष्ठ समय को मैं बातों में व्यतीत कर दूंगा तो मैं स्वयं को भी बुद्धिमान नहीं कहूंगा, मुझे अपनी बुद्धिमानी पर भी निश्चित रूप से हंसी आएगी, पश्चाताप होगा कि काश मुझे दिव्य बुद्धि प्राप्त हो गई होती, काश मैंने समय के महत्व को समझ लिया होता।